दोस्तों, मैं खड़ा हूं आज कृष्णा नगर मंडी पोखराया देहात में, जहां पर आपको कैमरे के जरिए से दिख रहा होगा कि नाली बहुत ही भरी है। काफ़ी दिनों यानी काफ़ी सालों से ये कीचड़ यहां पर है। गंदा पानी पनालों का, घरों के अंदर का जो पानी होता है वो यहां निकलने की कहीं व्यवस्था नहीं है। यहां पर जब हमने लोगों की भीड़ खड़ी हुई है तो मैंने सोचा इनसे कुछ बात करते हैं, ये भीड़ क्यों लगी हुई है। तो भीड़ से वीडियो बनाने से पहले मैंने चर्चा की कि यहाँ पर मैंने चेयरमैन साहब को भी बताया हुआ है और तहसील दिवस में भी लेटर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो चलो हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? राधे श्याम जी, आप हमें ये बताइए, ये पानी कितने दिनों से यहाँ भरा हुआ है? पाँच छह साल हो गई है। तो इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं हुई? व्यवस्था नहीं हुई, कोई नहीं व्यवस्था। अच्छा, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, आप ये बताइए कि ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ कैमरे के? पाँच साल हो गए बराबर। अच्छा, और पानी निकलता ही नहीं है, कोई आगे व्यवस्था नहीं है जी। और लेटरिन का पानी और बरसाती पानी सब इकट्ठा होता है जी। निकलने की देख तो रहे हो आप जी, क्या कंडीशन है यहाँ निकलने की जी। पैदल आदमी नहीं निकल सकता है, आदमी गिर जाते हैं, रपट रपट गिरते हैं, आज बच्चे तक निकल पाते। तो आपने चेयरमैन साहब से बात की है? अरे कम से कम दसियों बार बता चुके। दसियों बार मुलाकात। आपका शुभ नाम क्या है? नत्थू। नत्थू जी, आप बताइए पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? कम से कम पाँच साल से बराबर प्रयास चल रहा है, किसी ने कोई नहीं सुनवाई की जी। तो आपने कहाँ कहाँ इसका शिकायत किया है? शिकायत का प्रधान जी के जमाने से ही बराबर पानी चल रहा है जी। हाँ, प्रधान जी ने बल्कि उधर पीछे नटन के यहाँ तक का पानी यही में खोल रखा जी। कुछ आपसी मतलब तनाव की वजह से आप तो चलिए, वो प्रधान जी का वक्त था तो नहीं हुआ, लेकिन अभी आप आपने तो चेयरमैन साहब हाँ, से बात की? दसियों बार चेयरमैन जी से बात करी, नाप जोक भाई जी। हर बार कहीं एडियो, एक बार तो वो आई थी एडियम जी, एडियम लेडीज आई थी जी, और उन्होंने नाप जोक करी, वो रास्ता नाप जोक करी। देखो नर्क है, कहीं से निकलने की रास्ता है केवल आश्वासन। अम्मा, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमा देवी जी, आप हमें ये बताइए ये पानी यहाँ पर कितने दिनों से भरा हुआ है? पाँच साल से भरा, हमारे दरवाजे निकलने की साफ जगह नहीं है जी। और कहा नाम चेयरमैन बावन्ना यहाँ देख भी गए जी, और एक लेडीज भी आई है, और तहसील में कहा ना एप्लीकेशन भी दे के आई। आपने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन देकर? ये हो गए 2 महीना। 2 महीना। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? विनीता देवी। आप हमें ये बताइए पानी कितने दिनों से यहाँ भरा है? ये 4-5 साल से भरा है। 4-5 साल से भरा है, कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं? कोई सुनवाई नहीं है, रोड में भरता है नाली। अरे इनके तो घर भरो, हमारे मकान के अंदर देखो, आज हमारी कमर से पानी भरो, चलो भाई चले। अच्छा, कहीं नहीं निकल रहा। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? राम बाबू। राम बाबू जी, आप बताइए पानी कितने सालों से भरा हुआ है? अरे 4-5 साल से। वीडियो बनाओ किसी जी, जमाने में पानी भर रहा है जी। एक एक हाथ पानी भर नहीं सुनवाई गई जी। अब जो है मतलब क्या करें, हम लोग परेशान हैं जी, परेशान है। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक होमा। आप ये बताइए पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? 5-6 साल से भरा हुआ है जी। कोई भी सुनाई नहीं होती है, कार्रवाई की जाती है, कोई भी आता है देख के सुन के चला जाता है जी। जैसा कि आपने देखा, लोगों से मैंने बात की, ये 4-5 सालों से समस्या है। मैं SDM महोदय और पोखराया के चेयरमैन महोदय से अपील करता हूं कि इस समस्या का निदान के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की कृपा करें तो ही ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। कृष्णा नगर मंडी समेत पोखराया देहात से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।